राम राम जी। एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हरियाणा से खबर निकल के आ रही है, रेवाड़ी एकमात्र जिला जहाँ कोई भी केस नहीं, 629 पहुंचा है अब कोरोना वायरस का आंकड़ा हरियाणा में। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है हरियाणा से, लेके चलता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन की तरफ। रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो लाइक नहीं के तो कर दे, इस एजुकेशन नॉलेज टीवी सब्सक्राइब निकट कर दीजिएगा प्रत्येक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं हरियाणा में बढ़ रहा है कोरोना संकट। 21वें जिले महेंद्रगढ़ में भी 2 पॉजिटिव, सिर्फ रेवाड़ी से 30 नए केस आए। पानीपत में दूसरी मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा 13 मरीज आए सामने। संक्रमित को आंकड़ा 629 पहुंचा। गुरुवार को कोई भी स्वस्थ नहीं हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरोना वायरस अब हरियाणा के 21वें जिले महेंद्रगढ़ में पहुंच गया है। यहाँ 2 मरीज मिले हैं। अब सिर्फ रेवाड़ी एकमात्र जिला बचा है जहाँ कोरोना का कोई भी केस नहीं है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 30 नए केस मिलने से संक्रमित की संख्या बढ़कर 629 तक पहुंच गई है। साथ ही कोरोना से पानीपत में एक युवक की मौत हो गई है। समालखा के झट्टूपुर के 28 साल के युवक की बुधवार को 6 मई को मौत हो गई थी। वह टिब्बी से भी ग्रस्त था जबकि रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। वहीं बात करें तो राज्य में पिछले 24 घंटे में 3,271 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है जबकि 3,216 नए संदिग्ध मरीज मिले हैं जिसके सैंपल दिए लिए गए हैं। इसके अलावा 396 लोगों का सर्विलिंग का समय पूरा हो गया है जबकि 31 नए सर्विलांस पर लाए हैं। जबकि आज तक की स्थिति है 22,063 लोगों का सर्विलेंस का समय पूरा हुआ। वहीं 15,375 लोग अभी भी है सर्विलेंस पर। वहीं 46,495 लोगों के लिए गए हैं सैंपल। 41,495 सैंपल आ चुके हैं नेगेटिव। यहीं पर 4,007 रिपोर्ट का भी अभी इंतज़ार है। रिकवरी रेट 41.6% ही रह गई है। अब गिरावट महसूस की गई है रिकवरी रेट में, यानी कि स्वस्थ जो हो रहे हैं वो अभी फिलहाल कम हो रहे हैं।